आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ कि शिव मूर्ति में अंगुली कैसे बनाते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी का प्रतिमा है, लक्ष्मी जी का मिट्टी की मूर्ति है। इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि मिट्टी का अंगुली कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अंगुली सटाने के लिए जो मैं मिट्टी बनाएंगे उसको देखिए, आगे आपको इस तरह का पार्ट लेना पड़ेगा। थोड़े थोड़े टुकड़ा में काट लीजिए, थोड़ी सी मात्रा में। पार्ट लेने के बाद मिट्टी देखिए, थोड़ा सा मिट्टी ले लीजिए, चीनी मिट्टी। बाद फिर इसको मिलाने होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूर्ति का अंगुली कैसे बनाते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ऐसे इसमें देखिए रुई या पार्ट देना पड़ेगा। देखिए, देख रहे हैं, मैं पहले से इसको रेडी करके रख लिए हैं। इसको आपको पहले से गोल गोल ऐसे करके बढ़िया से टाइट करके रख लिया। देखिए, इसको मैं गोल गोल ऐसे कर लिया हूँ। इसके बाद देखिए, ऐसे हल्के हल्के हाथों से इधर में थोड़ा ज़्यादा दबाइएगा, इधर थोड़ा कम, ऑटोमेटिक अपने आप शेप चलाएगा। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। इसे होने के बाद इसका मुंह है जो, इसको ऐसे दाबिए कोना। देखिए, अगर लड़की का उंगली थोड़ा नोखिला होता है, ये नाखून हो रहा, फिर इसको ऐसे बेंड करिए ऐसे, फिर इसको हाथ आस्ते आस्ते ऐसे करके बना कर रखे हैं। तो इधर देखो, इस तरह करके आप बना के रख लीजिए, फिर मैं आपको जॉइंट करना सिखाऊंगा। इधर देखो, देखिए ये मैं चार पीस कर लिया हूँ, ये चार पीस। इसको बाद देखिए, ये चार टू कर लिए। देखिए, इसको करना कैसे, ऐसे रखिए, जैसे हम लोग का हाथ होता है वैसे ही होगा। ये छोटा वाला उंगली लगा रहा हूँ, आस्ते आस्ते इसको दबाइएगा। आराम से हो गया, चार उंगली हो गया। और ये वाला आपको, ये वाला अलग से बनाना होगा, जो है उंगली इसको अलग से बना, चार बना है। मैं इसको बना के दिखाने वाला हूँ, दिखा रहे हैं। देखिए, इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। ये वाला थोड़ा हम लोग जैसे मोटा है वैसे मोटा रहेगा थोड़ा सा। इसको बेंड करेंगे, बस इसे दाग दे दीजिए। दो हाथ बना दिए, दो उंगली बना दिए। अब इसको मैं लगा रहा हूँ। माटी लगाने के बाद ये आशीर्वाद हाथ है, इसको ऐसे फिटिंग करिए पीछे से। खाने बस प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा। फिटिंग करने के बाद थोड़ा सामने लेके आओ। उसको फिटिंग करने के बाद फिर आपको इसको जोड़ना है। लक्ष्मी माँ हो, सरस्वती माँ हो, इस टाइप से आप उंगली बैठाइएगा, एकदम परफेक्ट होगा। एक बार प्रोसेस देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ये इसको ऐसे हल्का सा बेंड करिए, इसको उंगली फिटिंग करने के बाद कुछ देर के बाद फिर आप इसको लगाइए। देखिए, ये लास्ट काम है। हल्के हल्के हाथों से, नहीं समझ में आएगा जो उंगली समझ में नहीं आएगा, अपना आशीर्वाद देख के देख लीजिए। क्योंकि हम लोग इस जगह में फूला हुआ है इसलिए आप दे रहे हैं, और इस जगह में कम है इसलिए यहाँ पर थोड़ा माटी कम देंगे।
इसको प्लेन कर दीजिए। देखिए 20 मिनट बाद इसको फिर आस्ते आस्ते इसको प्लेन करिए, इसको आस्ते से इसको प्लेन करिए पानी लगा के। पानी लगाने के बाद देखिए इसको प्लेन करने के बाद फिर इसको दाग दीजिए। हम लोग का हाथ में देखिए दाग है ना, ऐसे जैसे दाग दिया हुआ ऐसे करके आपको दो चार दाग दे दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए ये हाथ का पूरा शेप आ गया। उसके बाद इसको करने लास्ट काम आपका यही है कि जो कोमल ब्रश है स्मूथ ब्रश, इससे आपको हल्का हल्का प्लेन कर दीजिए। हाथ कंप्लीट पूरा एकदम। देखिए आप लोग देखिए माँ लक्ष्मी का मूर्ति पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये जो मैं उंगली लगाया था दोनों हाथ का देखिए पूरी तरह से सूख गया है और हल्की हल्की कच्चा है अभी। इसको सूखने के बाद अब मैं इसको पेंट करूँगा, फिर दोबारा इसका वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।